मैं पहले तो भाई साहब टिड्डी आ गई, बरात खराब हो जाती। अरे ई ईडी खड़ो है या के बम जाना है मुंह तो कहो भाई। मैं वोट पर तो मैं तो सिर्फ पता बीजेपी आदमी हूँ, बाकी नहीं है। मैं वोट कौन दी भाई जी, चाह पानी पै दी बोलती है आ नहीं भाई जी मुंह तो कहो भाई। नमस्कार जी। नमस्कार। के मूड बना मूड बहुत बढ़िया। किसने दे वोट पर वोट देवा है कांग्रेस ने। के कारण है कांग्रेस में के खासियत लगी अपना वोट देने की? ये बस बीजेपी की जनविरोधी नीतियाँ हैं। हाँ। अगर कांग्रेस की बात करा, कांग्रेस पार्टी में कैंडिडेट रखा गया है जेपी को, जयप्रकाश को, और लोगों के आरोप भी हैं कि वे पिछले इलेक्शन में 2009 में आया था, आज लग को नहीं आया। देखो जी जो तो पार्टी मतलब कोई टिकट देगी जल्दी आओगा बंदा। आप अगर ये मान लो कि भाई आप नई सलके से चुनाव लड़ना है तो जनता के बीच में तो रहना पड़ेगा। हाँ चुनाव लड़ना है तो जैसे पीछे उन्होंने मतलब जैसे वो पिछला चुनाव लड़े तो उन्होंने हर मतलब हफ्ते वो पूरे आजमपुर में आया करते, लेकिन उसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने उनकी टिकट भी काट दी, तो फिर तो क्या हो सकता है, नहीं आ सकता। इलेक्शन में उनको नोट नाट नकली बैंड गया कि मैं इसमें कितनी सच्चाई की ना जी बिल्कुल भी को नहीं। पेट्रोल पंप पड़े पीछे रह गया ना 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 इसी से आरोप मतलब ना वो देखो लगानियां कुछ भी लगा सके। मैं भी कह सकूं कुलदीप बिश्नोई किसी के पीछे खा गया ना, गलत बात है। जो बात है वो मतलब सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत को नहीं। जहाँ भी कि मतलब किसी के पेट्रोल के पैसे, हमने कोई जिक्र ऐसा सुना नहीं है। कुलदीप बिश्नोई तो नाराज हो, बीजेपी पार्टी तो नाराज हो। कुलदीप तो पहली बात तो कुलदीप था कारण कारण क्यों के इस हल्के का एम एल ए रह गया, रह लिया और रह कौन लिया, कई बार रह लिया और रह गए। मतलब सरकार में जैसे पहले कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, रुस गए, फिर अपनी हजका बना ली, उसमें भी विधायक बन गए, फिर बीजेपी में चले गए। बीजेपी में क्या था बीजेपी क्या था के लग गया ये तो कोई ईडी आरडी के छापे छुपे लग दे हो गए वो न्यू को अगले में यो दलदल में फंस रहे आदमपुर उसने बाहर काट दूंगा ना। दलदल में तो आदमपुर फंस रहे है, यो तो कदेगा फंस रहे है, इसमें कोई शक को नहीं। पर उसने कारण खातर बीजेपी में गए तो ना 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 उसने कारण खातर उन गया और यो मतलब एक तन खा और बदान खातर गया भी, मतलब अपने छोरे की भी आन लग जाए पेंशन पंचन। हम जाने करते टिड्डी आ गई। एक मिनट टिड्डी आ गई, फसल खराब हो गई। अच्छा इड्डी खड़ू आ गई, इंडिया नेता है तर हो गया नेता है। पहले तो भाई साहब टिड्डी आ गई, फसल खराब हो जाती। अरे इड्डी खड़ू है या के बम जाना ही कोनी, के चीज है। कुलदीप फेटे से चुनाव में पूछ लियो, चुनाव में कुलदीप मानू फेटे ही कोनी क्या क्यों मारू नजर ही कोई वो आदमी वोट मांगने तो आएगा मारे कल वोट कौन है हिम्मत कौन मांगी मारे को वोट मांग ले। अच्छा। इतने लड़के आदमी को हमें अच्छा टिड्डी सुननी हम तो इड्डी आज सुननी भाई साहब। राम राम जी भाई साहब। क्या विचार भाई साहब गांव की अगर बात करी जाओ, गांव में कितने वोट है टोटल? गांव में जी 1800 प्लस वोट है। कितने वोट वोट है? 1500 के लगभग 1400-1500 वोट पोल हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी बीजेपी पार्टी इनेलो आम आदमी पार्टी किसकी फाइट है? कांग्रेस और बीजेपी है जी। कौन जीतेगा उर्दू? उर्द कांग्रेस ही जीतेगी। कितने वोट ले इसका कांग्रेस? लगभग 700-800 प्लस वोट ही ले जाएगी। भाई साहब ऊना कहियो को आप कांग्रेस के समर्थक हो जाना। ना जी कांग्रेस के समर्थक कौन है? कुलदीप के समर्थक दे पहले, कुलदीप ने वोट दिया कर दे। लेकिन ये बीजेपी माने का कारण मान लो आप ही कहे करता भाई, मान लो बीजेपी घटिया पार्टी है, धोखेबाज है, पहले इन्हें मिलाया ही ना, गठबंधन कराया सेती, फिर धोखा दिया, बोले धोखेबाज पार्टी है और कहीं पर भरोसा कर लियो पर ना करियो। तो आप तना तो यह बात पल्ला इस भाई ने यह बात पल्ला गया ठवेंद्र की भाई कुलदीप बिश्नोई ने कहा था किसी पे विश्वास कर लियो बीजेपी पर ना करियो। बीजेपी पर ना करियो हाँ ज्यादा कम करना है। बिल्कुल जी भाई साहब। अच्छा राम भाई साहब किसने वोट दोगे? वोट तो आगे सिस्टम बताओगा। साइलेंट क्या होता है? ओके कारण है साइलेंट होने का, के कारण है न्यू तो बता दो या साइलेंट आगे सिस्टम बताओगा। इलेक्शन के 2-4 दिन रह गए नहीं, जो सिस्टम बताओगा क्या फाइट होगी, किसके साथ होगी? आदमपुर हल्का की एक चीज रही है, आदमपुर हल्का खुले रुके में रह करता भाई, इसने वोट देंगे इसने वोट इसकी बार आदमपुर हल्का साइलेंट के चक्कर ही। 2 दिन पहले भाई साहब पता लगा के फाइट है के सिस्टम है, भाई साहब वोट डाला भाई साहब आदमपुर हल्का के लोगों ने मूड बना लिया, इसकी बार साइलेंट चोट मारेंगे, गुम चोट मारेंगे, धक्का मारेंगे भाई, अर्ध जागे मारेंगे। मैं आम आदमी पार्टी का हूँ। अच्छा
ठीक है और माने आम आदमी पार्टी मेरे भाईचारे में थोड़ी कंडम दिखी तो इन्हें ठोक दे ऐन गेड़ ने है बस सीधा रावण भाई के लगा है कि को है ये किसने दे वोट पार्ट भाई जी न्यू है वोट पार्ट तो मैं तो सर पता बीजेपी आदमी हूं बीजेपी के आदमी हूं हां अच्छा यो काउंटर देख लियो बीजेपी का है दिखाओ आप दिखाओ भाई काउंटर दिखाओ बीजेपी का काउंटर है भाई साहब एक मिनट भाई अच्छा बीजेपी की आप बीजेपी की दुकान में बैठे हैं और ये सारे विरोधी नहीं कुकर मैं बताऊंगा विरोधी तो मैं भी हो गया इलाज को नहीं ये तो नहीं बता मैं बीजेपी का आदमी हूँ बीजेपी का आदमी हूँ अच्छा कुलदीप बिशनो एक आदमी को नहीं कुलदीप बिश्नोई का आदमी होने बीजेपी का आदमी आज भी हूँ यानी कुलदीप बिश्नोई कैंडिडेट आके जाते वोट कौन दे हाँ जाते कौन दिया और कोई कैंडिडेट होता तो वो वोट कुछ भी होती कोई ऐसा नहीं रिपोर्ट आई जो आमदनी कौन करता अच्छा 34,000 पल्स वोट दिया अच्छा सोनाली फोगाट के जो वोट थे वे कट जाएंगे की बार कुछ उनकी भी कोई चर्चा को नहीं सोनाली फोगाट वोट जागा दी सारा बीज हमारे काम का नहीं सब कांग्रेस में जागा सारा कांग्रेस में जागा हाँ लगभग जगह जो सारा तो कुंता है लगभग फिर नू तो बीजेपी पार्टी में रह गया बीजेपी वाले तेरे तड़के करा लेंगे मेरे घर तो आज भी बैठे बीजेपी रहा अच्छा जब मैंने कहा मैं वोट तो दू नहीं अच्छा 98 में पन्ना प्रमुख है पार्ला प्रमुख है नहीं भी उपाध्यक्ष है वे सारा मैं बता दूंगा अच्छा बाकी न्यू है मैं वोट कौन दू भाई जी चाह पानी पे दूंगा इतनी नाराजगी क्या है काम कौन करे भाई जी नहीं तुम्हारे गुआंडी है साल तो सरकार में होगा कि मैं कर देगा के 26 साल के सरकार में कौन है 2005 में सरकार में कौन ही हो के रहो यह बात कहो है कि भाई सरकार में कौन रहा मैं 2005 में सरकार में कौन ही हो गई है 2005 सरकार क्यों बनी भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बने सरकार में ही हो चलो आज मुख्यमंत्री कौन बने बहुत अलग सोच है आज मुख्यमंत्री बीजेपी मुख्यमंत्री बनाए हुई बीजेपी में तो आम कार्यकर्ता बन के गया है तो फिर मुख्यमंत्री बनना चाहिए नहीं आम कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री को कर बना देंगे तो कांग्रेस में क्यों मुख्यमंत्री बनूंगा मैं तो नाराजगी पूछूं आपकी नाराजगी मेरी यही है कभी कहे तो मुख्यमंत्री बनो अच्छा बीजेपी में जाते बढ़ना चाहिए आ नहीं भाई जी मुंह तो कहो भाई मतलब इतनी नाराजगी है मुख्यमंत्री जब बनेगा जब वोट दोगे वोट तो देगो नहीं भाई जी मुख्यमंत्री कौन बने बीजेपी तो बने ही कौन नहीं मुख्यमंत्री छोटो इसका छोरा ना एमएलए बनाओ गए कौन बना दे भाई जी मेरे तो जी कौन करे बाकी हल्को बनाओ तो बना ही हो अच्छा हाँ अरे हूँ मैं बीजेपी को आदमी परमानेंट आगे भी रहूंगा आगे बीजेपी में रहेगा हाँ न्यू तो तेरा बीजेपी वाले रख देगो नहीं मैं ना रख टाड़ के दिया आम आदमी पार्टी बग दिया भर के दिक्कत है